मुश्किल की इस घड़ी में तो हम साथ हैं, लेकिन झूठे दावों को दुरुस्त मालूमात से अलग करना बहुत जरूरी है। तो बात करते हैं ऐसी ही कुछ गलतफहमियों की। पहली गलतफहमी, लीमू का रस कोविड-19 से बचाता है। खाने पीने की चीजों से मुतल्लिक बहुत से दावे किए जा रहे हैं कि आप फलां चीज खाने से कोरोना वायरस से बच सकते हैं, और लीमू के रस से मुतल्लिक दावे तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। ये गलतफहमी तब शुरू हुई जब सोशल मीडिया पर ये झूठी खबर फैली कि एक चीनी साइंसदान ने कहा है कि लीमू इस वायरस से बचा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि लीमू का रस आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है, बल्कि तमाम ही फल और सब्जियां आपकी सेहत के लिए ज़रूरी हैं, ख़ासतौर पर एक ऐसे वक्त में जब हम सब घरों के अंदर रहने पर मजबूर हैं। सेहतमंद रहने के लिए फल सब्जियां बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको कोरोना वायरस से नहीं बचाती। दूसरी गलतफहमी, मच्छर के काटने से कोरोना वायरस हमारे जिस्म में दाखिल हो सकता है। हम सब जानते हैं कि मच्छर के काटने से हमें बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मच्छर से आपको कोरोना वायरस भी लग सकता है। याद रखें कि ये वायरस आपके सांस लेने के निज़ाम को मुतासर करता है, और ये ज़्यादातर मुतासर फर्द के खांसने और छींकने से फैलता है। इसलिए इससे बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप बीमार अफराद से दूर रहें और अपने हाथ साबुन से धोते रहें। तीसरी गलतफहमी, खून का अतिया दें तो मुफ्त टेस्ट हो जाएगा। कुछ ममालिक में लोग कह रहे हैं कि अगर आप खून देंगे तो आपका कोरोना वायरस का टेस्ट मुफ्त में हो जाएगा। ये बात बिल्कुल गलत है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर यह बात मुसलसल गर्दिश कर रही है। सच बात यह है कि खून देने वक्त आपका कोरोना वायरस का टेस्ट नहीं किया जाता, और ब्लड बैंक वाले नहीं चाहते कि कोई बीमार शख्स खून देने के लिए पहुंच जाए। और ये भी याद रखिए कि खून देने से ये वायरस नहीं लगता। इसलिए फिलहाल हम सबको चाहिए कि अफवाहों पर ध्यान न दें, और उस वक्त तक खुद को सेहतमंद रखें जब तक साइंसदान इस वायरस का कोई तोड़ नहीं ढूंढ लेते।